अहम खबरें दिखाएंगे। सागर जिले के गढ़ाकोटा परिक्षेत्र में अवैध सागौन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध सागौन का कारोबार करने वाले माफिया आबादी रात का फायदा उठाकर अवैध सागौन का कारोबार कर रहे हैं और इसका परिवहन भी कर रहे हैं। शुक्रवार शनिवार की देर रात एक मारुति कार से अवैध सागौन की लकड़ी का परिवहन करते गढ़ाकोटा वन विभाग ने कार सहित अवैध सागौन की लकड़ी जब्त की है। वहीं अवैध सागौन की 5 लट्ठे की कीमत लगभग 30,000 रुपए आंकी गई। वन रक्षक रत्नारी बीटगार्ड अंकुर दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के बाद रेंगुआ ग्राम टेड़ा पीपल से पचारा पिपरिया रोड होते हुए एक पुराने मॉडल की नीले रंग की मारुति में अवैध सागौन लाया जा रहा था, जिस पर सूचना के बाद पचारा पिपरिया रोड पर वन स्टाफ जो की गश्त कर रहा था उसको साथ लेकर पहुंचे तो थोड़ी देर में एक कार तेज रफ्तार में गढ़ाकोटा तरफ आती दिखी, जिसे रोका गया पर तेज रफ्तार होने के कारण कार आगे निकल गई। जिसका पीछा किया तो कार चालक कार छोड़कर खेतों में भाग गया। उसका पीछा भी किया पर खेतों में कीचड़ होने के कारण चालक को नहीं पकड़ पाए। लकड़ी और वाहन को जब्त कर वन विभाग गढ़ाकोटा के डिपो में लाया गया। अवैध सागौन की कीमत लगभग 30,000 रुपए है। इस कार्रवाई में अंकुर दुबे वन रक्षक, अमान सिंह वन रक्षक, कृष्णकांत उपाध्याय, मुरलीधर यादव इरफानुल्ला खान, हरपाल सिंह राजपूत, सुशील कुमार सोनी, भगवान दास पटेल शामिल थे। कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है जी? इसमें मुखबिर के सूचना मिली थी कि जो अवैध कटाई की लकड़ी है सागौन वो परिवहन होनी है, उसी के संबंध में वन स्टाफ जो है गढ़ाकोटा वो गश्ती कर रहा था तो ये रेंगवा से होते हुए टेड़ा पीपल से पचारा पिपरिया रोड पे एक वाहन आते हुए देखा, जिसका पीछा किया और उसके बाद उसमें सागौन लकड़ी जो थी वो जब्त की है। ड्राइवर जो था वो मौके से फरार हो गया। ड्राइवर का पीछा भी किया पर खेतों में काफ़ी कीचड़ होने की वजह से ड्राइवर को पकड़ नहीं पाए और जो लकड़ी और वाहन है वो मौके से जब्त कर वन डिपो गढ़ाकोटा लाया। लगभग ये अवैध सागौन की लकड़ी कितनी कीमत रखी होगी? इसकी कीमत लगभग आप 30,000 रुपये के आसपास। कितने कितने लट्ठे हैं ये? 5 लट्ठे हैं सागौन के। हम खबरें दिखाएंगे।